हाउ मैनी टोटल सेक्शंस आर देयर इन द नीगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कितने टोटल सेक्शंस है आफ्टर टू थाउजेंड एटीन के अमेंडमेंट के बाद अब एन आई एक्ट निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में टोटल वन फोर्टी एट सेक्शंस है कितने सेक्शंस है तो टोटल वन फोर्टी एट सेक्शंस है इफ़ अ चेक इज रिफ्यूज बाय दैंक इफ चेक रिफ्यूज़ किया जाता है बाय द बैंक ड्यू टू इन एडिक्वेसी ऑफ फंड्स बैलेंस नहीं है इसके लिए फॉर द चेक टू क्लियर देन इट इज़ सेड टू बी उसे हम क्या कहेंगे फिर बाउंस चेक बाउंस चेक अगर इन एडिक्वेसी ऑफ फंड्स है उसमें बैलेंस नहीं है तो चेक अगर रिफ्यूज़ करती है बैंक तो हम उसे करेंगे बाउंस चेक नेक्स्ट पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है पार्टीज़ टू बिल ऑफ एक्सचेंज थ्री पार्टीज होती है थ्री पार्टीज़ इन बिल ऑफ पार्टी ड्रॉवी एंड पेई ऑल ऑफ दीज आएंगे ये तो ये याद रखना है बिल ऑफ एक्सचेंज में थ्री पार्टीज है ड्रावर ड्रॉवी एंड पेई अ प्रोमिसरी नोट

चेक uh, ये भी करेक्ट है पेएबल ऑन डी डिमांड ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस करेक्ट है तो चेक याद रखना है इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड पेएबल ऑन डिमांड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंजेस एन अनकंडीशनल ऑर्डर है याद रखना है अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे ड्रॉविंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ड्रॉविंग किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है तो सेक्शन सेवन में ड्रॉविंग डिफाइन किया गया है नेक्स्ट विच सेक्शन ऑफ नीगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद डिसर बाय नॉन पेमेंट अगर डिस ऑनर बाई नॉन पेमेंट होता है तो वो सेक्शन सेक्शन नाइन्टी टू में डिफाइन किया डील्स विद विच सेक्शन नीगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद डिसर बाय नॉन पेमेंट तो सेक्शन नाइन्टी टू में किया गया है इन केसेस ऑफ एक्विटल द कोर्ट इज नाउ एम्पावर्ड आफ्टर टू थाउजेंड एटीन के अमेंडमेंट के बाद इन केसेस ऑफ एक्विटल द कोर्ट नाउ एम्पावर्ड द डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रिपे टू द एपलेंट द अमाउंट सो रिलीज एट द इंटरेस्ट रेट कौन से इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे देने चाहिए तो कॉम्पन्सन <coughs> करना एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आर बी आई इन केसेस ऑफ एक्विटल द कोर्ट नाउ एम्पावर टू डायरेक्ट कंप्लेन टू प्रीपेलेंट दो रिलीज इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा उसमें तो प्रिस्क्राइबड बाय द आर बी आई इन विच सेक्शन एम्पावर द एपेलेंट कोर्ट फॉर अपील्स अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन वन थर्टी एट कौन सेक्शन में कन्विशन के अगेंस्ट वन थर्टी एट के एम्पावर फॉर अपील अंडर सेक्शन वन थर्टी एट डायरेक्ट अ मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फाइन कॉम्पनसेशन अवार्डेड इन एडिशन इंटरियम कॉम्पनसेशन पेड अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री ए में तो ये नया सेक्शन ऐड किया गया है टू थाउजेंड एटीन से तो उसमें क्या कहा गया है कॉम्पनसेशन और फाइन कितना कितने परसेंट करना है अंडर सेक्शन इंट्रोड्यूसेशन न्यू प्रोविजो गिविंग पावर टू कोर्ट ट्राई ऑफेंस अंडर वन थर्टी एट टू ऑर्डर ऑफ चेक टू पे इंटेरियम कॉम्पनसेशन टू द कंप्लेनेंट इन समरी ट्रायल्स एंड समन्स केस वेयर ही प्लीज नॉट गिल्टी टू द एक्विजेशंस इन द कम्पलेंट फर्दर मोर द इंटेरियम कॉम्पनसेशन शैल नॉट एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द चेक शैल बी पेएबल विद इन सिक्सटी डेज फ्राम द डेट ऑफ ये भी याद रखना है डेट ऑफ ऑर्डर के कब तक पेएबल होंगे वो विद इन सिक्सटी डेज ऑफ डेट ऑफ द ऑर्डर ये कौन से सेक्शन में मैंशन किया है तो सेक्शन वन फोर्टी थ्री आर टू वॉटोशियबिलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक इसमें से दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं तो हमेशा ये प्रॉपरली याद करना है व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स टू के रिक्वायरमेंट्स क्या है तो दस द पेपर मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया इट मस्ट बी इन राइटिंग निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी इन राइटिंग इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर और ड्रावर मेकर ने साइन किया होना चाहिए इट मस्ट बी अनकंडीशनल प्रोमिस और ऑर्डर टू पे इसमें अनकंडीशनल प्रोमिस और ऑर्डर टू पे होना चाहिए इट मस्ट बी फॉर अ फिक्सड अमाउंट इन मनी मनी अमाउंट कैसे होनी चाहिए तो फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए सर्टन अमाउंट होनी चाहिए इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड और एट अ डेफिनाइट टाइम टाइम भी डेफिनाइट होना चाहिए इट मस्ट बी पेबल टू ऑर्डर और बियर अनलेस इट इज अ चेक तो ये रिक्वायरमेंट अच्छे से याद रखना है वॉट इज द न्यू रूल ऑफ चेक बाउंस न्यू रूल कौन सा हुआ है So, according to Section 138 of that, the dishonor of the cheque is criminal offense and is punishable by imprisonment up to 2 years or with monetary penalty or both. Penalty bhi ho sakti hai or imprisonment bhi ho sakti hai with both. If payee decides to proceed legally, then the drawer should be given a chance of repaying the cheque amount immediately.

अपॉन द इंस्ट्रूमेंट और अ पेपर अटैच्ड और पार्टी अपॉन ईच तो उसे क्या कहते हैं नोटिंग सेक्शन नाइनटी नाइन याद रखना है नोटेड बाय नोटरी पब्लिक अगर हो तो सेक्शन नाइन्टी नाइन उसे कहते हैं नोटिंग वेन अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बिन डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट द होल्डर में विद इन अ रीजनेबल टाइम कॉस्ट स डिसऑनर टू बी नोटेड एंड सर्टिफाइड अब नोटेड भी हो रहा है और अगर सर्टिफाई भी किया जाता है बाई द नोट्री पब्लिक तो वो होता है सेक्शन हंड्रेड प्रोटेस्ट अगर ओनली बाई दोट नोटेड बाई नोट्री तो नोटिंग uh, हो जाता है वो और सर्टिफाइड अगर सर्टिफाई बाई नोटरी पब्लिक होता है तो वो हो जाता है सेक्शन वन हंड्रेड एंड मीन प्रोटेस्ट द मैच्योरिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू डेज ऑफ ग्रेस उसे कहते हैं हमने डेज ऑफ ग्रेस यूरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस टूबल पेबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रजेंट मेट इज एट मैच्योरिटी ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल दैट इज दैट इज़ मीन्स सेक्शन टू ट्वेंटी टू में ग्रेस ऑफ डेज सेक्शन ट्वेंटी टू में मैच्योरिटी याद रखना है इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन ट्वेंटी टू मैचोरिटी विच आर नॉट निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट, नीगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स हम किसे कह नहीं कहते नॉन नीगोशियेबल सिक्योरिटीज़ नॉन निगोशियेबल सिक्योरिटीज एंड प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स आर दो दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू द नेक्स्ट अगर कोई ट्रांसफ़र नहीं होता इंस्ट्रूमेंट, कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू द नेक्स्ट तो एग्जाम्पल है इसका ऑफ नॉन निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट आल्सो रेफर टू एज नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट वुड बी अ गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड वॉट आर द फोर टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट के फोर टाइप्स है फोर प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ स्पेशल स्पेशल एंडोर्समेंट ब्लैंक एंडोर्समेंट रेस्ट्रिक्टिव एंड क्वालिफाइड एंडोर्समेंट एंड एंडोर्समेंट दैट क्लियरली इंडिकेट द इंडिविजुअल टू होम द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तो कौन से कौन से टाइप्स है एंडोर्समेंट के ये याद रखना है फोर टाइप्स है स्पेशल एंडोर्समेंट ब्लैंक एंडोर्समेंट रेस्ट्रिक्टिव एंड क्वालिफाइड फोर टाइप्स कैन इंडोर्स अगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट को कौन कर सकता है इंडोरस नीगोशियबल इंस्ट्रूमेंट द एक्ट ऑफ पर्सन हु इज अ होल्डर ऑफ अ नीगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इन साइनिंग हीज और हर नेम ऑन द बैक ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट दे आर बाई ट्रांसफरिंग टाइटल और ओनरशिप इज एन एंडोर्समेंट जो होल्डर है जिसने खुद का नाम है उस पर उस पर साइन है तो वो उस और वो देयर बाय ट्रांसफरिंग टाइटल और ओनरशिप इज एन एंडोर्समेंट एंड एंडमेंट में वॉट इज सेक्शन वन फोर्टी एट ऑफ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अभी मैंने लिया था वन फोर्टी एट क्या है इन इन द निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिक्स टू प्रोवाइड द फॉलोइंग दैट इन एन अपील बाय द ड्रावर अगेंस्ट कन्विंक्शन अंडर सेक्शन वन थर्टी एट ऑफ द निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द एपेलेंट कोर्ट में ऑर्डर द एपेलेंट टू डिपोजिट सच समच मिनिमम ऑफ शल बी ट्वेंटी परसेंट ऑफ द फाइन और कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड बाई द ट्रायल कोर्ट अभी लिया था मैंने व्हाट आर दंक्शंस ऑफ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट तो कितने फंक्शंस हैं निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के देआर आर टू फंक्शन दैट इज क्रेडिट फंक्शन एंड पेमेंट फंक्शन ये टू फंक्शंस है निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स और टू डिफरेंट फंक्शंस इन कमर्शियल ट्रांसैक्शन दैट इज़ अ क्रेडिट फंक्शन एंड अ पेमेंट फंक्शन हु इज ड्रॉवर इन प्रोमिसरी नोट ड्रॉवर कौन है ये याद रखना है प्रोमिसरी नोट्स में टू पार्टीज रहती है और बिल ऑफ एक्सचेंज में थ्री पार्टीज रहती है ये याद रखना है प्रोमिसरी नोट दे आर ड्रावर ड्रॉवरू आर इज ड्रॉवर ड्रावर इज द डेप्टर प्रामिसेज टू पे द अमाउंट टू लेंडर और क्रीडिटर सेकेंड पार्टी होती है ड्रॉवी फर्स्ट होती है ड्रॉवर ड्रॉविंग याद रखना ड्राव ड्रॉवी इज अ क्रीडिटर हु इज़ बीन प्रामिस्ड बाई द बरोवर टू और डेप्टर अबाउट द पेंडिंग पेमेंट वॉट टाइप ऑफ निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इज अ करंसी नोट मनी इज नॉट निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट ये याद रखना है मनी इज नॉट निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट वीच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एट डिफाइंड बाई द स्टैट्यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट बैंकर्स नोट प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेंज लेकिन एक चारों भी ऑल ऑफ दिस ऑफ़ द इंस्ट्रूमेंट्स आर निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इस चारों भी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स है ड्यू टू इन एडोकेसी ऑफ मनी द चेक गॉड बॉन्सड देन वॉट लीगल एक्शन हैज़ हैजू बी फेस कौन सी लीगल एक्शन हमें फेस पड़नी पड़ेगी अगर इन एडोकेसी ऑफ मनी इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोध ये सभी इंप्रिजमेंट और फाइन और बोत ये सभी आता है एज़ पर विच सेक्शन ऑफ द निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द लीगल है एक्शन हैज़ टू बी टेकन वेन द चेक गॉड बॉन्स ड्यू टू इन एडोकुएसी ऑफ मनी इन वंस बैंक अकाउंट क्वेश्चन अच्छे अच्छे पढ़ना है प्रॉपरली पढ़ो तब क्वेश्चन समझ में आए तो आंसर भी जल्दी से याद आता है एज़ पर विच सेक्शन ऑफ द निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द लीगल एक्शन चेक गॉड बी ऑफ मनी इन बैंक अकाउंट टू सेक्शन एट है उसका डैश मीन्स समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन क्या होता है लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो ऑप्शन है निगोशिया,

एज पर विच सेक्शन एज पर विच सेक्शन ऑफ द निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन इंडोर्समेंट डिफाइंड एंडोरसमेंट इज़ डिफाइन इन सेक्शन फिफ्टीन एंड एंड किस में डिफाइंड किया है तो याद कर रखना है सेक्शन फिफ्टीन में एज पर विच सेक्शन ऑफ द निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एट्टी वन एंडोर्समेंट डिफाइंड सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन तो सेक्शन फिफ्टीन में डिफाइन किया गया है डैश रिटर्न डॉक्यूमेंट इंस्ट्रू इसका आंसर है ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंट मींस अ रिटर्न डॉक्यूमेंट बाय विच लीगल राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट बाय विच लीगल राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन हमारे लीगल राइट्स हम फेवर करते हैं किसी सम पर्सन को तो उसे क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अ कंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन सम ऑफ मनी ओनली और ऑर्डर ऑफ सर्टेन परसन टू द बियर तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन फाइव में है बिल ऑफ एक्सचेंज याद रखना है अनकंडीशनल ऑर्डर है साइंड बाय दी बाय दी मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन परसेंट पे सर्टेन सम

होल्डर इन ड्यू कोर्स इज जनरली पर्सन हु और कंसिड्रेशन बिकेम पजेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट हाँ पर्जेसर और प्रोमिसरी नोट किस को कहते हैं प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का पर्सन तो होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन नाइन में डिफा डिफाइन किया गया होल्डर इन ड्यू कोर्स दैट इज अ पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम पर्जेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन थर्टीन निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन थर्टीन में अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बियर इज कॉल्ड निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आईदर टू ऑर्डर और टू बियर इज कॉल्ड बल इंस्ट्रूमेंट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चेक आर देअर एज पर द निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कितने टाइप्स के चेक है तो फोर टाइप्स के चेक है याद रखना है ओपन चेक क्रॉस चेक बियर चेक ऑर्डर चेक तो कौन कौन से चार चेक है ओपन चेक क्रॉस चेक बियर चेक एंड ऑर्डर चेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसीफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑदर वाइज एंड इज कॉल्ड चेक उसे क्या कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉन ऑन स्पेसीफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑदर वाइज ऑन डिमांड इज कॉल्ड अ चेक उसे चेक कहते है. चेक कौन सेक्शन में डिफाइन किया गया है तो सेक्शन सिक्स में An order in writing directing a person to pay a sum of money is to be to a specified person is called bill of exchange. I have that if an order is, bill of exchange. An order in writing directing person to pay a sum of money to specified person is called bill of exchange. Dash is an instrument in writing containing a अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाई दर्टेन समली ओनली टू ऑर टू दर्टे तो वो क्या है सेक्शन प्रोमिसरी नोट सेक्शन फोर प्रोमिसरी नोट सेक्शन फोर एज परिसक्शन ऑफ द निगोशिएबल एक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स डिफाइंड होल्डर इन ड्यू कोर्स मैंने बताया था सेक्शन नाइन में डिफाइन किया गया होल्डर इन होल्डर इन ड्यू कोर्स डिफाइन इन सेक्शन नाइन थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल